नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टूरिज्म स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे पर्पज़ ऑफ़ टूरिज्म के बारे में। देखिए ये हमारी बेसिकली थर्ड वीडियो है यूनिट टू क्लास नाइन्थ के लिए ट्रैवल एंड टूरिज्म। अगर आप क्लास नाइन्थ के हैं तो आपके लिए बेस्ट है क्योंकि मैं उसको कोर्स वाइज कम्प्लीट करा रहा हूँ सीरियर वाइज। अगर आप क्लास नाइन्थ के नहीं हैं, आप कहीं बाहर से कोर्स करें, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके टॉपिक्स इसके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपने वो टॉपिक्स अगर आपको क्लियर करने हैं क्लास नाइन्थ वालों, अगर आपने क्लास नाइन्थ के हैं तो आप मेरे चैनल पर चल जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में चल जाएगी तो हमारा क्लास नाइन ट्रैवल एंड टूरिज्म होगा, उसमें मैंने सीरियल वाइज सारे टॉपिक्स आपको क्लियर कराए यूनिट वन से, आप वो देख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री टेल अस दैट ह्यूमन हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस एंशियंट टाइम इन सर्च ऑफ फूड शेल्टर सेफ्टी दैन फॉर ट्रेड। इतिहास गवाह है कि इंसान ने ट्रैवलिंग पहले से ही करी है। किस चीज़ के लिए? खाने की तलाश में, शेल्टर मतलब रहने की तलाश में, सेफ्टी के लिए, और या तो फिर व्यापार के लिए। ठीक है, या तो व्यापार के लिए उसने ट्रैवल करा। ठीक है, पर्पज़ ऑफ टूरिज़म हेयर मीन्स दैट प्राइमरी रीजन ड्यू टू विच अ टूरिस्ट हैज़ गॉन ऑन अ ट्रिप। पर्पज़ ऑफ टूरिज़म एक ऐसा कारण होता है जिसकी वजह से टूरिस्ट कहीं घूमने जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ दिस पर्पस टूरिस्ट वुड नॉट गॉन टू अ ट्रिप। अगर ये पर्पस ना हो तो कोई भी टूरिस्ट कहीं भी घूमने नहीं जाएगा। ठीक है, इन द मॉडर्न टाइम्स आज के समय पे द पर्पस ऑफ ट्रैवल कैन टेकन द टूर, जो आजकल के पर्पस हो गए हैं टूर करने के इन द मॉडर्न टाइम में, वो बहुत बदल गए हैं। इसको हमने नीचे क्लासिफाइड करा है दो चीज़ों में, उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। पहला तो आपका लेज़र, दूसरा आपका बिजनेस, फैमिली और मीटिंग। ठीक है, फर्स्ट हम लेज़र से स्टार्ट करते हैं। लेज़र देखिए होता क्या है, लेज़र रिक्रिएशन, लेज़र में आता पहला रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन। मनोरंजन के लिए हम कहाँ कहाँ जाते हैं, मनोरंजन के लिए भी हम कभी कभी घूमने जाते हैं। मान लीजिए हम बहुत थक गए अपनी ज़िंदगी से, तो हम मनोरंजन करने कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं। सेकंड आपका हॉलीडे, हॉलीडे मनाने अगर हम कहीं दूर जाते हैं तो ये भी हमारा एक लेज़र के टाइम समय लेज़र में ही गिना जाता है। स्टडी के लिए हम कहीं जाते हैं, मान लीजिए हम पढ़ाई के लिए रिलेटेड कहीं हमारा एग्जीबिशन लगा तो हम वहाँ भी जा रहे हैं, वो भी हमारा खाली समय में हम कहीं लेज़र के मतलब हम म्यूज़ियम में चले गए। ठीक है, रिलीजन मतलब हम कहीं माता रानी के मंदिर या कहीं भी हम जाते हैं तो वो भी हमारा क्या होता है, रिलीजन के पर्पज़ से हम जा रहे हैं, तो अभी हम खाली समय में ही जाते हैं। स्पोर्ट्स मतलब हम कहीं क्रिकेट देखने जा रहे हैं तो वो भी हमारा एक लेज़र टाइम ही माना जाएगा। एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लेज़र मतलब खाली समय में काम आती हैं जो हम घूमने जाते हैं, यही हमारा पर्पस बनते हैं घूमने के। ठीक है, सेकंड है आपका बिजनेस फैमिली मीटिंग। मैंने पिछली वीडियो में मैं आपको बता दिया था बिजनेस फैमिली मीटिंग मतलब बिजनेस के पर्पस से जो जाते हैं हम। पर्पस हमारा क्या है, बिजनेस मतलब क्यों, बिजनेस की मीटिंग के लिए, बिजनेस की डीलिंग के लिए, इसको हम कहते हैं बिजनेस पर्पस। फैमिली मतलब फैमिली के साथ हम गाँव जा रहे हैं, हमारे रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं, इस हमारा क्या पर्पस है कि हमें उससे मिलना है, तो उनसे मिलना है, तो ये सब क्या है, अभी हमारा पर्पस है। ठीक है, मीटिंग करना, हम किसी से मान लीजिए मीटिंग करने जा रहे हैं, मान लीजिए कोई बैठक हुई है आज, मान लीजिए कोई नेताओं की बैठक हुई, वहाँ हमें बुलाया गया है तो हम उसमें जा रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे मीटिंग में अगर हम जा रहे हैं तो भी एक हमारा पर्पस है ट्रैवल करने का। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने हैशटैग 2.5 कॉम्पोनेंट ऑफ टूरिज्म के बारे में जानेंगे। देखिए कॉम्पोनेंट ऑफ टूरिज्म होता क्या है, बेसिकली इसमें 4 A's ऑफ टूरिज्म होते हैं। इसमें कुछ नहीं, कॉम्पोनेंट ऑफ टूरिज्म आपका कभी भी आ जाए, ये आपको क्लास 10th और क्लास 11th में पूछा जाएगा, आपको मैं गारंटी लिख के दे दूँ। देखिए 4 A's ऑफ टूरिज्म आर, आपके जो कॉम्पोनेंट हैं वो 4 A's हैं। 4 A मतलब 4 बार A लगेंगे, मतलब ए अट्रैक्शन में भी A लग रहा है, एक्सेसिबिलिटी में भी, एकोमोडेशन में भी A लगेगा, और एक अटेंशन में ऐसे कुछ है उसमें भी A ही लग रहा है, तो इसको इसका नाम दे गया 4 A's ऑफ टूरिज्म आर। ये भी आपके कॉम्पोनेंट ही होती है, यही आपके कॉम्पोनेंट होते हैं। ठीक है, पहला आपका कॉम्पोनेंट क्या है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन क्या है, आपको इसके मीनिंग वर्ड से ही पता चल रहा होगा, अट्रैक्शन होता है इट रेफर टू द फीचर ऑफ डेस्टिनेशन पुल्स और अट्रैक्ट टूरिस्ट टू अ डेस्टिनेशन। ये रेफर करता है उस फीचर से जिसमें डेस्टिनेशन जो डेस्टिनेशन है वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। मान लीजिए ताजमहल क्यों अट्रैक्ट करता है एक इंसान को, क्योंकि वो उसकी जब नाइन मून लाइट में जब ताजमहल को देखा जाता है तो बहुत अच्छा सुहावना लगता है, इससे लोग उसको देखने जाते हैं उसी के अट्रैक्शन के कारण। इसी अट्रैक्शन को, कोई भी डेस्टिनेशन में अगर कोई अट्रैक्शन है उसी को हम क्या कहते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन। ठीक है, ये आपका पहला कॉम्पोनेंट था। सेकेंड कॉम्पोनेंट है आपका एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब ए डेस्टिनेशन कैन बी अ हिल स्टेशन प्लेजेंट क्लाइमेट। अब चलते हैं सेकंड पेज पे, इसको समझा दूँगा आगे ही। विद एंशियंट मूवमेंट एंड रुइंस द डेस्टिनेशन माइट एवन बूस्ट ऑफ सम ब्यूटीफुल वाटरफॉल एंड येट रिमेन अन
पॉपुलर अमॉन्ग द टूरिस्ट एज देयर आर नो रोड और रोल और रेल और एयरपोर्ट, मतलब कि एक्सेसिबिलिटी। मान लीजिए कहीं ऐसी जगह है जो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा नेचर वाइज है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है, वहाँ पे रोड नहीं है अच्छी, वहाँ रेल नहीं है, वहाँ रेल की सुविधा नहीं है, वहाँ एयरपोर्ट नहीं है, तो क्या होगा, ये आपका एक बैरियर लग जाएगा। इसलिए इसको 4 A's में दिया गया है कि हमारी एक्सेसिबिलिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो हमारे कॉम्पोनेंट ऑफ टूरिज़्म को अच्छी बनाएगी और हमारे जो भी ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, ठीक है। और एकोमोडेशन में क्या है, एकोमोडेशन इज़ वन ऑफ द बेसिक नीड्स फॉर एनी टूरिज्म। एकोमोडेशन इज़ द वन ऑफ बेसिक नीड, मतलब एक बेसिक नीड है टूरिज़्म की, टूरिज़्म एक्टिविटी की। ट्रैवल एंड टूरिस्ट नीड लॉजिंग फॉर कार फॉरेस्ट वाइल दे आर ऑन टूर। एकोमोडेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए आप कहीं जाते हैं बाहर घूमने, तो आपको कहीं ना कहीं आप थक जाते होंगे, थक जाते हैं तो आपको एक होटल की ज़रूरत होती है, तो उसी होटल को, रहने की जगह को, रिजॉर्ट, मोटल्स, ये सब क्या हैं आपके, ये सब आपके एकोमोडेशन में आते हैं, ठीक है। और एमेनिटीज़, कैमेनिटीज़ आर द थिंग्स सच एज स्टोर्स और स्पोर्ट फैसिलिटी, मतलब कि आपको मैं ऐसे समझा देता हूँ, एमेनिटीज़ होता है जो आपको वहाँ पे एन्जॉयमेंट चीज़ें, आपको वहाँ पे जो एन्जॉय दिलाए, मतलब कि मान लीजिए आप मान लीजिए आप कहीं जंगल में गए हैं, तो मान लीजिए आप राजस्थान के जंगलों में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जंगल सफारी कराई जाएगी, अगर आप ऊँट पे बैठे तो कैमल राइड, ये सब क्या है, एन्जॉयमेंट दिलाता है, एक्स्ट्रा थिंग जो हम करते हैं वहाँ पे, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करते हैं अपने आप को खुश करने के लिए, उसको हम कहते हैं एमिनिटीज़, ठीक है। अब आपका ये लास्ट हैशटैग 2.6 है, इसके बाद आपका ये पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर मैंने जो ये स्मॉल स्मॉल में लिखा है, आप इसी को लिख लीजिए, आपको इससे ज़्यादा कुछ बाहर नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्लास 9th के लिए कह रहा हूँ। अगर आप कहीं कोर्स कर रहे हैं तो उसको आप बुक्स पढ़ सकते हैं, अगर एक्स्ट्रा उसमें लिखा हो तो। डोमेस्टिक टूरिज्म, डोमेस्टिक टूरिज्म क्या है, कंप्राइजेज द एक्टिविटीज़ यू फॉर्म, सॉरी सॉरी दोस्तों, हैशटैग 2.6 फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म। देखिए टूरिज्म के कितनी फॉर्म्स होते हैं इसको हम समझेंगे आज। देखिए पहला फॉर्म है आपका डोमेस्टिक टूरिज्म। डोमेस्टिक टूरिज्म क्या होता है, कंप्राइजेज द एक्टिविटीज़ ऑफ अ रेसिडेंट विजिटर विद इन अ कंट्री रेफरेंस। डोमेस्टिक टूरिज्म वो होता है जो अपने ही कंट्री में, अपने ही रेजिडेंट के पास, मतलब अपने घर के आस पास ही, मतलब एक दिन से अंदर में हम घूमने जाते हैं, उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक टूरिज्म, ठीक है। और इनबाउंड, ये आपका इनबाउंड और आउटबाउंड, ये आपका 10th में भी आएगा, 11th में भी आएगा, आप याद रखिएगा, ठीक है। इनबाउंड टूरिज्म क्या होता है, कंप्राइजेज द एक्टिविटीज़ ऑफ अ नॉन रेसिडेंट विजिटर विद इन अ कंट्री ऑफ रेफरेंस, मतलब कि अपने रेसिडेंट से बाहर जाता है, स्टेट से बाहर जा रहा है, 24 घंटे से जाता है, लेकिन एक साल के कम के लिए। इनबाउंड टूरिज्म मतलब अपने देश में ही, तो उसको हम कहते हैं इनबाउंड टूरिज्म। आउटबाउंड टूरिज्म, आउटबाउंड टूरिज्म का मतलब मैं आपको ऐसे बताया, तो कंप्राइजेज द एक्टिविटीज़ ऑफ अ रेसिडेंट विजिटर आउटसाइड द कंट्री ऑफ रेफरेंस। जब कोई बंदा 24 घंटे से ज़्यादा और एक साल के कम के लिए इंडिया छोड़ के अमेरिका जा रहा है घूमने, और मान लीजिए दुबई जा रहा है, सिंगापुर जा रहा है, 24 घंटे से ज़्यादा और एक साल के कम के लिए, उसको हम कहेंगे आउटबाउंड टूरिज़्म। पहला था डोमेस्टिक, मतलब अपने घर के आसपास ही, मतलब एक दिन से कम के लिए। इनबाउंड में मतलब हमें 24 घंटे ज़्यादा और एक साल से कम, और वो भी अपने अपने स्टेट अपने स्टेट का अपनी कंट्री में ही। आउटबाउंड का मतलब अपनी कंट्री से बाहर जाना, वो भी 24 घंटे ज़्यादा और एक साल के कम के लिए, उसको हम कहते हैं आउटबाउंड टूरिज़्म, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका था आज 2nd चैप्टर, आपका यूनिट 2 कम्प्लीट हो चुका है, और अब हम करेंगे अगली वीडियो में यूनिट 3। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।